अच्छा, आपने जैसे बताया कि इस एग्जामिनेशन को लेकर आज बहुत सारी परेशानियों का भी सामना हर छात्रों को करना पड़ता है, खासकर उस समय जब उन्हें किताबों का चयन करना होता है। तो किरण प्रकाशन के भी बहुत सारे किताब पब्लिश होते हैं, और हाल फिलहाल में यदि 4-5 सालों में देखा जाए तो बहुत सारी किताबें किरण प्रकाशन की पब्लिश भी हुई है जो यूपीएससी के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत सारे सफल छात्रों का भी योगदान रहा है। तो किरण प्रकाशन के बारे में और इससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उसके बारे में आपके क्या राय है? क्या आपने किसी पुस्तक का अध्ययन किया या नहीं? जी सर, बिल्कुल। मैं ये कहना, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस परीक्षा में इतनी सारी किताबें होती है और इतना सारा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए कि हम कौन सी किताब पढ़े और कौन से मटेरियल को फॉलो करें, ये एक बहुत मुश्किल प्रश्न हो जाता है और वहीं पे हम कहीं एक तरह से खो जाते हैं। तो सर, इस परीक्षा में मैं ये मानता हूँ कि यदि चीज़ें या फिर हमारा मटेरियल या जो भी हमें चाहिए वो यदि एक जगह हमें मिल जाए संगठित, कि हमें 10 जगह ढूंढना ना पड़े, बस एक ही जगह पे यदि हमें एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में यदि चीज़ें मिल जाए तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो सर, ये जो किरण प्रकाशन की जो एक किताब है जो कि जिसमें पिछले 30-35 सालों के जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए, तो ये एक बहुत ही बढ़िया, मतलब एक रिसोर्स है, और जो कि सर ये यहाँ रखी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि ये वाली जो किताब थी ये मैंने मेरे प्रिलिमिनरी एग्जाम के पहले मैंने इसको खोल के देखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सर इस किताब की खास बात ये है कि इसके अंदर आपको पिछले 30 से 35 सालों के प्रश्न मिल जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज इन्होंने सॉर्ट करा हुआ है, और उसके साथ ही साथ प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो उसके उसकी वजह से क्या होता है कि आप प्रश्न भी छुड़ा लेते हो और उसके साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है। तो सर, ये बहुत ही बढ़िया किताब है और मैं ये सभी को रेकमेंड करना चाहूँगा।